हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है जो कि कॉन्सॉलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट है और यहां पे स्टैंड ऑन फैनेंशियल रिजल्ट दोनों की क, हम लोग यहां पे कवर करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में कॉन्सॉलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट दिख रहा है लैक्स में नंबर्स है इनकम की बात करेंगे नाइन करोड़ का इनकम है जबकि प्रीवियस क्वार्टर में नाइन करोड़ का इनकम था और जून ट्वेंटी क्वार्टर में थ्री करोड़ का इनकम था कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है लेकिन ईयर ऑन ईयर के इनकम में इंक्रीज़ करता हुआ देखने को मिल रही है प्रॉफिट की बात करें सिक्सटी फोर करोड़ का है जबकि प्रीवियस क्वार्टर में इलेवन करोड़ का लॉसेस था और जून ट्वेंटी वन क्वार्टर में एट्टी फाइव करोड़ का लॉसेस था गए इस कंपनी को लगातार लॉसेस हो रही थी लेकिन इस बार कंपनी ने प्रॉफिट्स किया और बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट इस बार ग्रोथ करता हुआ देखने को मिला है वहीं अगर हम यहाँ पर कंपनी का ई की बात करें तो कंपनी के जो ई है थ्री पॉइंट का है क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर से और प्रीवियस ईयर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ई में भी ग्रोथ हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट निकल के आई है इस बार की कंपनी की तरफ से तो ये थी कंपनी के कॉन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट अगर हम यहाँ पे कॉन्सॉलीटेड फिनेंशियल रिजल्ट के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे कंपनी को रियल इस्टेट हॉस्पिटैलिटी लीजिंग और इन तीनों से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और डेटा आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो कहीं कॉन्सॉलिटेडेड फिनेंशियल रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग निकल का है अब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट को नंबर्स को कवर करते हैं यहाँ पे नंबर्स लैक्स में दिए हुए हैं और यहाँ इनकम की बात करें तो 661 करोड़ का है जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 718 करोड़ था और जून 21 क्वार्टर में 267 करोड़ का इनकम था कंपनी का इनकम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन हुआ ही है लेकिन ईयर ऑन ईयर के इनकम में इंक्रीज़ किया है अगर हम यहाँ प्रॉफिट्स की बात करें कंपनी को जो प्रॉफिट निकल के आई है वन करोड़ की जबकि प्रीवियस क्वार्टर में एट्टी करोड़ था और जून ट्वेंटी क्वार्टर में ट्वेंटी टू करोड का प्रॉफिट था कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में और ईयर ऑन ईयर में दोनों के कंपेयर में तेजी है गाइज यहाँ पे कंपनी का इनकम कम हुआ लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ही कम हुआ जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट्स बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है ई पी एस का है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के कंपेयर में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है तो गाइज कंपनी का फाइनेंशियलियलियलियलियल रिजल्ट स्टैंड स्टैंडरलॉन हो या कॉन्सोडेटेड दोनों के फाइनेंशियलियलियलियलियल रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आए तो अब हम लोग वीडियो को एंड करते हैं अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय